शुरू करते हैं फिर। यस शुरू करें। सही ओके तो हमारा गेम ऐसा है कि मैं अगर कुछ एक्शन करूं, उसके बाद एक्शन करने के बाद मैं किसी का नाम लूंगी, तो मेरे एक्शन के साथ मैंने अगर कुछ ऐसे एक्शन किया तो मेरे एक्शन के साथ जिनका नाम लिया जाएगा उनको मेरी एक्शन और खुद की एक्शन ऐसी अपन को करनी है। ठीक है, किसी का भी नाम ले सकते हैं हम पार्टिसिपेंट्स में से, और हम अभी कितने लगभग 27 जन हैं, तो 27 एक्शंस हो जाएगी, तो अपन को मेमोराइज करना है और फिर एक्शंस करनी है। ठीक है ओके, तो शुरू करेंगे। पहले मैं ही शुरू कर देती हूँ। मैं लूंगी मनोज, मेरी एक्शन करनी है और आपकी एक्शन करनी है। आपका एक्शन देखा नहीं, और एक बार करेगी क्या? Okay. वापस वापस ओके okay. तो एक्शन शुरू करते हैं। नेक्स्ट मनोज। मनोज आपको मेरी एक्शन और फिर आपकी एक्शन ऐसे करनी है। आपका एक्शन था ये और मेरा एक्शन है ये, आप ही अलग एक नाम बताइए आप। नेक्स्ट समुंदर जी। तीनों भी एक्शन किए आपने? मैंने तीनों किए, आप वाला ये किया, इन वाला ये किया और अपना वाला ये किया। आप नेक्स्ट बताइए। मैं नाम भूल गया, इमरान सर। इमरान आप प्लीज वापस एक बार सभी के कीजिए स्पॉटलाइट आने के बाद। हाँ अभी आप कीजिए वापस से चार। ओके इसके बाद करेंगे करुणा जी। यार सीरियल ही करने हैं करुणा जी। करुणा आप म्यूट पर। मनोज 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 ने ऑलरेडी कर लिया। मनोज का हो गया। आशुतोष आशुतोष। करुणा जी एक बार फिर से कीजिएगा। नहीं एक्चुअली मेरे कलीग से आप आ गए थे कुछ पूछने के लिए, उधर ध्यान चला गया। करुणा तुम्हारा वाला ऐड भी तो करना है। ठीक है तो हम करते हैं, सबसे पहले सुंदर जी वाला ये वाला था, उसके बाद इमरान का ये वाला था, करुणा जी का था। तो मतलब आपने तीन ही किया ना, इमरान जी का किया, मेरा भी नहीं गया, इमरान जी का क्या? मनोज जी वाला भी छोड़
और मनोज जी वाला था, उसका वाला यार भूल गया, वो इस टाइप का था, फिर समुंदर जी वाला, फिर इमरान वाला, फिर करुणा जी वाला और मेरा। ओके, नेक्स्ट नाम बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं अभी। एक मिनट, अजहर जी करेंगे। हेलो, हेलो, मैं बात करूंगा, वॉइस नहीं आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कि ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अच्छा क्लियर हुआ, अब हुआ। अजहर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अजहर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अजहर जी का शायद म्यूट है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अजहर जी, आप एक्शन करके बता दीजिए, फिर किसी का नाम या तो ग्रुप में डाल दीजिए, ऐसा हो सकता है। मेरी वॉइस आ रही है कि क्लियर सबको? हेलो, आपकी तो आ रही है, अजहर जी की नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी आ रही है। वापस गई। आपका साउंड फिर से चला गया अजहर जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अजहर जी आप एक्शन करिए आपकी, और अगले पार्टिसिपेंट का नाम बताइए, फिर हम आगे चलें। ओके, तो ये अजहर जी की एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अजहर जी आप। तब्बू वाला स्टेप किया है आपने अजहर जी, हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय। अजहर जी आप तो ग्रुप में टाइप कर दीजिए ना। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है अजहर जी, तो ग्रुप में टाइप कर दीजिए ना। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज तो आ रही होगी सबको? हाँ आ रही है। हाँ एक्चुअली थोड़ा ये नेट स्लो है, तो सिगमंड फ्रायड के स्वप्न के विपर्यास जैसा सारे एक्शन वैसे ही दिखे हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो बस इतना ही याद है। और आपकी एक्शन? और मेरा एक्शन तो ये कर दिया ना मैंने। अच्छा ये वाला, ओके जी।
ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप। नेक्स्ट मिहिर भाई। हेलो हेलो, अरे आवाज मेरे को, मैं आपके, आप लोग एक्शन कर रहे थे तब मैं दूसरा काम कर रहा था तो मैं सारी एक्शन मिस कर दिए, पर जो जो याद है वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो किसी ने ऐसा किया था, फिर किसी ने ऐसा किया था, फिर किसी ने ऐसा किया था, फिर किसी ने ऐसा 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 किया था तो इतनी याद है मुझे तो बाकी लोग पूर्ति कर दे, मैं नाम भूलता हूँ वो पूर्ति कर दे। तरुण भाई जी मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसको प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो फिर मनोज जी का ऐसे था, और फिर समुंदर जी का ऐसे ऐसे था, और इसके बाद था किन का था, हाँ इमरान जी का डिसुम था। फिर अबुआ डिसुम था क्या? डिसुम फाइटिंग था, बॉक्सिंग मार रहे थे। फिर एक ये था हाथ पीछे करते हुए, फिर एक ऐसे जोड़ते हुए इस तरीके से किए थे सर, और आपका तो इस तरीके से था सर। वाह बढ़िया, तो अभी लास्ट पार्टिसिपेंट आप नाम ले लीजिए, सबको लेंगे तो हमारा समय का ख्याल नहीं रख पाएंगे हम, इसलिए तो आपकी एक्शन ऐड कीजिए और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का नाम ले लीजिए। दो बार ताली बजाना, दो बार तो गजाला जी। और एक पार्टी गजाला जी, आखिरी चुनिंदा पार्टिसिपेंट में गजाला जी का नाम आ गया है, तो गजाला जी प्लीज आप कीजिए। कहाँ पे है गजाला जी? है क्या गजाला? नहीं है शायद से, नहीं है। है पर वीडियो चालू अभी। यस मैम। हेलो, हाय। वो पहले मैम का ऐसा था, फिर मनोज जी का ऐसा था, फिर किसी ने ऐसे मारा, एक ने जुम जुम किया, एक ने ऐसे किया, दूसरे ने ऐसे किया, बस इतना ही याद है। ठीक है, ओके ओके, या ठीक है, कूल। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और yes. आगे की, या तो आगे की गतिविधि की ओर चलते हैं, तो सब पहले अपने लिए बहुत सारी ताली बजा दे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था ये, और आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हो, कर सकते हो गेम। और सो अभी आज का जो वेबिनार है, लोग मतलब फेस टू फेस वर्कशॉप के बाद पहली बार मिल रहे हैं, सब अपने अपने कार्यस्थल पर जाके, कुछ लोगों ने लेसन प्लान भेज दिए हैं, वाई व्हाट हाउ भी भेज दिया है, कुछ लोगों ने मैप की एक्टिविटी ट्राई करके भी हमें भेजी है, उसके फोटोग्राफ्स भी मिल रहे हैं धीरे धीरे करके, तो बहुत खुशी हो रही है कि जो भी हमने साथ में मिलके ट्राई किया था भोपाल में, वो आप लोग वहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके बच्चों के साथ ट्राई कर पा रहे हो, और उसके एक्सपीरियंस भी जानेंगे फर्दर। बट अभी हम लोग आज के वेबिनार के बारे में बात करते हैं। अभी नेक्स्ट दो वेबिनार बाकी है, आज का वेबिनार और एक थर्ड वेबिनार जो होने वाला है हमारे कोर्स में। आप लोग सेकंड यूनिट लगभग सबने कंप्लीट कर दिया होगा, और तो एक रिएक्शन दे सकते हैं जिन जिन्होंने भी सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिया है, रिएक्शन का ऑप्शन होगा, तो ऐसे थम्स अप कर सकते हैं जिन्होंने भी कर लिया हो। तारिक आप तब तक ब्रेकआउट रूम रेडी कर देना, हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं ब्रेकआउट रूम की। तो जिसने भी यूनिट 2 कंप्लीट कर दिया हो थम्स अप अपने अपने दिखा दे, तो हमें पता चले कि कौन कौन कर रहा है। हेलो, शंकर जी का आया है। हेलो, नंदन का आया है, ज्योति का आया है। यस
सर एक चीज पूछना था इसमें, ये यूनिट टू वाला में, एक तो यूनिट टू वाला हम क्लिक किए थे उसमें 66% कुछ दिखा रहा था, उसे आगे बढ़ा नहीं, और जो उससे पहले जो कर रहे थे उसमें कंटिन्यू करके ऑप्शन आता है और उसमें कर रहे हैं तो कुछ तो आया एक दो एक्टिविटी, उसके बाद आगे वाला वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वो कंप्लीट हुआ या अभी भी पेंडिंग है। ठीक है संध्या जी, मैं क्या करता हूँ वेबिनार के बाद आपको कॉल करता हूँ, हम साथ में बैठ के देख लेते हैं इसको, है ना, और कुछ टेक्निकल होगा तो अपन कस्टमर केयर जो इनका है उसमें फोन करके भी कर लेंगे, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, तो बाकी किसी को भी कोई सवाल हो, ऐसे कुछ अटक गया हो तो आप व्हाट्सअप करना मुझे, या आपके कोई मेंटर हो जो भी नाम दिए हैं मेंटर्स के आपको कॉल करते ही होंगे वो, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, मेरे जो मेंटीज है वो मुझे मैसेज करें तो हम लोग टाइम कोऑर्डिनेट करके हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इस वेबिनार का तो बहुत कम थम्सअप आए, मुझे 6-7 ही थम्सअप दिखे, तो बाकी लोग जिनका भी बाकी है यूनिट टू कंप्लीट करना वो प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, तो ही आगे का जो काम करना है वो समझ आएगा, जो आगे का जो लेसन है वो समझ आएगा, अदरवाइज हमें जो पिछला जो पता नहीं होगा तो ये लिंक बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो पहले जरूर आप लोग कंप्लीट कर देना। तो आज के वेबिनार में हम दो चीजें करने वाले हैं, फर्स्ट जो चीज है वो है कुछ फिल्में देखने वाले आज, ठीक है, छोटी छोटी 5 मिनट की 10 मिनट की फिल्म्स देखने वाले हैं, और ये जो फिल्म्स है, वीडियो भी बोल सकते हैं फिल्म बोल सकते हैं, उन फिल्मों में कुछ कुछ आपको ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है मैं आपको बताता हूँ, तो ये फिल्म्स देखने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई जो हम ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं वो कहीं पे आपको फिल्म में दिख रही है क्या, हमने हमारे जो भी फेस टू फेस वर्कशॉप है उसमें भी हमने ये सारी चीजें देखी थी और आज ये फिल्म में भी देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले क्या क्या एलिमेंट्स आपको दिखे फिल्म में। ठीक है, तो आज के दो मुख्य लर्निंग आउटकम इस वेबिनार के है, फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग फ्रॉम वीडियोस, तो हम कुछ फिल्में देखेंगे उसमें से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एलिमेंट्स क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बनाती है, नॉर्मल क्लास से अलग क्या है, ठीक है, वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने पिछली बार फेस टू फेस वर्कशॉप में लेसन प्लान्स बनाए थे, अब उसमें से प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड होता है कि प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा, वीडियोस में से ही समझ आएगा कि ये किस प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप फोटो खींच सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो आपको फिल्म में से ढूंढने हैं, ठीक है, उसके जवाब फिल्म में से ढूंढने हैं। तो फर्स्ट सवाल है हाउ चिल्ड्रन आर वर्किंग, कि भाई बच्चे है वो ग्रुप में काम कर रहे थे, इंडिविजुअल काम कर रहे थे, होल क्लास एक साथ काम कर रहा था, किस तरह से था, ये करना है, ये खोजना है, रोल ऑफ टीचर, टीचर क्या कर रहा था, बैठा था, सवाल पूछ रहा था, हर एक बच्चे के पास जाके कुछ पूछ रहा था, कर रहा था, क्या था, या फिर बोर्ड चौक से बोर्ड पे लिख रहा था, वो आपको ढूंढना है, रोल ऑफ टीचर। ठीक है, व्हाट रिसोर्सेज दे आर यूजिंग, कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर सेंसेस यूज्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका आप फोटो खींच के रख लेना, मैं इसको व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने में आसानी हो। ठीक है, तो कि भाई सेंसेस कौन सी यूज कर रहे थे बच्चे, खाली हाथों का यूज हो रहा था, खाली सुन रहे थे, खाली देखने का यूज हो रहा था, क्या हो रहा था वो, और लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई या आखिर अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है जब आप वीडियो देख रहे हो। तो हम लोग आपको 6 ग्रुप्स में बांटने वाले हैं और कोई भी 2 ग्रुप एक वीडियो सेम वीडियो देखेंगे। ठीक है, 2-2 ग्रुप ऐसे, मतलब हमारे पास 3 फिल्में हैं और 6 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप एक सेम फिल्म देखने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ही मैं आपको कौन सी फिल्में देखनी है वो मैं उसका लिंक भेजता हूँ, यूट्यूब वीडियोज है, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, हम आधे घंटे का टाइम आपको दे रहे हैं। ठीक है, फिल्म देखने के बाद आपको अपने ब्रेकआउट रूम में उसका डिस्कशन करना है। ठीक है, कि ये सारे सवाल जो हमने
पूछे उसका थोड़ा सा डिस्कशन आप उसमें करना, फिर हम मेन रूम में आके भी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो तारिक हम लोग रेडी है क्या ब्रेकआउट रूम में जाने के लिए? रेडी है, लेकिन ये कुछ लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं, या तो कुछ एब्सेंट है या नाम चेंज है, वो मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, तो जो भी अवेलेबल है उसमें से बना सकते हैं क्या? हाँ, मैंने वो तो बना दिया है, तो जो लोग रह जाएंगे यहाँ पे फिर हम उनको बोल देंगे कि इस रूम में आप जाने वाले हैं। यस यस, फॉर एग्जांपल बॉबी नहीं जुड़ी है क्या? बॉबी नहीं जुड़ी, बॉबी नहीं जुड़ी। हाँ, तो वो फिर एक ग्रुप का रहेगा। ओके, तो अभी असाइन कर दे ब्रेकआउट रूम मेहर। हाँ हाँ, तारिक बॉबी की जगह तुम चले जाओ उस ग्रुप में। ओके ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहना, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने सवाल भी डाल दिए हैं और जो वीडियोस आपको देखने हैं वो भी डाल दिए हैं। तो आपको वीडियो देख मिहिर, आपका शायद इंटरनेट दिक्कत हुआ। हेलो सर। हेलो। हाँ, सभी वीडियोस को देखने का है सर? नहीं, सभी को नहीं। आप किस ग्रुप में है? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर गायत्री और जस्ट होल्ड थोड़ी देर बता दें।
पहले तो हो गया कि क्वेश्चन आंसर तैयार करना, क्वेश्चन तैयार करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि मतलब स्लम एरिया में जाके क्वेश्चन के अनुसार हम उन डाटा कलेक्शन का काम करते हैं, रिसर्च डाटा कलेक्शन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन आता है कि भाई सवाल क्या है, क्या खोजना है हमें, या किस पे रिसर्च करना है, वो सवाल पहले तो, और वो बच्चे ही बनाते हैं, वो बच्चे खुद से ढूंढते हैं और टीचर की मदद से, और फिर जाते हैं, राइट। तो वो दूसरा सेक्शन हुआ, सही बात है। हेलो हेलो, सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़िया। कुछ कुछ ग्रुप को शायद समय कम भी पड़ा होगा, पर हम मतलब यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चर्चा हो, उसमें हम कवर अप कर पाए, क्योंकि हम धर्मेंद्र भाई की बात को हमेशा याद रखेंगे कि समय का ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ग्रुप वाइज बात करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, वीडियोस में से चर्चा की होगी, जो हमने पॉइंटर्स आप लोगों को दिए थे उस हिसाब से थोड़ी चर्चा करने में आसानी रही होगी। अभी जो शेयरिंग करना है उसमें दो चीजें बतानी है, एक तो मतलब दो मुद्दे बताने हैं। ये मुद्दा ये होना चाहिए कि नॉर्मल क्लासरूम जो अभी चल रहा है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रहे हैं लोग, और ये जो क्लासरूम आपने देखा, ठीक है, जो वीडियोस में दिखाया गया था, जिसमें गतिविधियां हो रही थी, प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, रिसर्च हो रहा था, कुछ ग्रुप में काम हो रहा था, तो ये जो भी हो रहा था, वो आपको क्या डिफरेंस क्या लगा नॉर्मल क्लासरूम एंड जो आपने वीडियो में देखा वो क्लासरूम, उसमें क्या डिफरेंस लगा, उसके दो मुद्दे, हर एक ग्रुप में से मुझे सिर्फ दो मुद्दे चाहिए, ठीक है। तो मैं हर एक ग्रुप के जो मेंटर्स है, मेंटर्स यानी हमारी टीम में से जो लोग हैं, उनका नाम बोलूंगा, वो फिर रेकमेंड कर सकते हैं कि कौन आंसर देगा, या वो खुद भी बता सकते हैं, ठीक है। और फिर बाकी कुछ रह जाता है तो हम लोग उसमें एड ऑन कर देंगे। जयश्री, आप व्हाइट बोर्ड कर सकते हो क्या? व्हाइट बोर्डिंग हम लोग साथ साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टूल टूल के ग्रुप से शुरू करते हैं। बस फिल्म चलाने के बाद साथियों ने बोलना शुरू ही किया था और समुंदर अपनी बात रख रहे थे, तभी ब्रेकआउट रूम ब्रेक हुआ। तो आई थिंक समुंदर अपनी बातों में से ही दो बात यहाँ रख दें। हाँ ठीक है, सही। तो आपके ग्रुप को समय भी मिल जाएगा इसमें। हाँ, हाँ, तो मैं मोटे रूप से जो आपने दिया, पहले फिल्म के बारे में थोड़ा बताना है क्या मोटे रूप से? आप बता दो, बाकी बता दो थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताऊंगा, उसके बाद दो जो मेजर चेंज, जो अंतर नजर आ रहे हैं, उनको भी मैं शेयर करूंगा। तो मेनली हम लोगों को जो फिल्म हम लोग जो देख रहा था, हमारा ग्रुप, उस ग्रुप में बच्चे थे जिनको एक प्रोजेक्ट काम, यानी काम करना था, अपना प्रोजेक्ट काम पूरा करना था कि आसपास दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो टूल्स हैं उनके, चाहे मछली पकड़ने का साधन है, चाहे इस प्रकार के जो टूल्स हैं जो दैनिक जीवन में, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करना था, उनको जानना था कि कितने प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ पर टूल्स उपयोग में लिए जा रहे हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे, उनका ये व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है, सॉरी। अभी लिखा नहीं है सुमेन भाई, अभी खाली ग्रुप फिल्म ऐसा लिखा है, अभी लिखा नहीं है इसलिए नहीं दिखा। अच्छा, मैं सोचा लिखना उड़ा है तैसे आ रहा है, सॉरी। समझ गया, कंटिन्यू, सॉरी। ओके ओके, थैंक यू। है ना, तो उसमें बच्चों ने शुरुआत की अपने उन चीजों को जानना, लोगों से समझना, खुद से करके देखना, और उसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करना। जब उस वीडियो डॉक्यूमेंट कर रहे तो उनको जरूरत हुई मोबाइल स्टैंड बनाने की, तो उन बच्चों ने मोबाइल स्टैंड
बनाने के लिए अलग अलग प्रयास किए, पहले एक सामान्य से स्टैंड बनाया, उस स्टैंड में कुछ चैलेंजेस नजर आए, उस स्टैंड को फिर जो उनके आसपास जो अनुभव थे उस आधार पर उस स्टैंड को मॉडिफाई करने की कोशिश की, फिर और अनुभवों को जोड़ते हुए उन्होंने और अच्छे से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की और फाइनली वो एक अच्छा मोबाइल स्टैंड भी बना पाए। और जो प्रोजेक्ट काम कर रहे थे उन सारी चीज़ों लगभग 100 चीज़ों के वो अपना लिस्ट आउट कर पाए, उनका क्लासिफिकेशन कर पाए, उनका उपयोग लिख पाए। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट काम चल रहा था जो पूरा वीडियो में देखने में लगा और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से हम उसको समझ भी पा रहे थे। और दूसरा जो अभी आपने कहा कि दो मुद्दे तो नहीं, लेकिन मैं बेसिक अंतर जो है जो अभी चल रहा है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज जो जनरली क्लासरूम हम जब देखते हैं तो उन क्लासरूम में हम क्या देखते हैं, टीचर जाता है उसको कुछ टॉपिक लेना होता है, टॉपिक को या तो बोर्ड पर समझा देगा या फिर बच्चों से किताब पढ़ने के लिए बोल देगा, कुछ इस प्रकार की प्रोसेसें चल रही होती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो फिल्म थी, इस फिल्म में स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से जैसे हम लोग एक्सपीरियंस लर्निंग की बात कर रहे हैं या फिर खुद के प्रयासों से सीखने की बात कर रहे हैं, किसी समस्या का को आना और समस्या के आधार पर कुछ प्लानिंग बनाना ग्रुपों में, उस प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट करके देखना और उसको उसके परिणामों को देखना और उस प्रकार से लगातार आगे बढ़ते जाना ना, वो एक बेसिक अंतर था कि ये टोटली उन बच्चों या ग्रुपों के आधार पर थी। जैसा लग रहा था हल्का सा गाइडेड है लेकिन वो व्यवस्थित रूप से बच्चे अपने हिसाब से उन चीज़ों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, समस्याओं को चिन्हित करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। दूसरी बात की दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें लगी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनको बताई गई थी, कोई भी जानकारी ऐसी नहीं थी जो उनको दी गई थी, सारी जानकारी वो अपने से कलेक्ट कर रहे थे, उसको अपनी तरीका से व्यवस्थित कर रहे थे, उसमें अपने तरीका से अपने एक्सपीरियंस को जोड़ रहे थे, उसको मॉडिफाई कर रहे थे, कुछ निर्णय निकाल रहे थे। तो मेनली उनके लिए एक रास्ता बताया गया, मैं तो यही सब कहूँगा कि रास्ता था, उस रास्ते पर उनको आगे बढ़ना था और अपनी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा 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 एक्सप्लोर करते जा रहे थे। तो ये जो बेसिक अंतर मुझे अंतर समझ में आ पाए, बाकी ग्रुप के साथ ही जोड़ना चाहें, टोटल को जोड़ना चाहें। हाँ, तो ये आपके जो मुद्दे को खाली थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जो आपने इन्फॉर्मेशन वाला मुद्दा कहा कि जैसे मोस्टली टेक्स्ट बुक में से जब पढ़ाया जाता है या कोई भी क्लासरूम नॉर्मल क्लासरूम होता है तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई इसमें ये है, इसमें वो है, इसके इतने प्रकार है, ये है। इसमें बच्चे खुद इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे, खुद अपनी खुद काम करके वो इन्फॉर्मेशन को इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दे रहा है और वो लेके उसको मेमोराइज कर रहे हैं ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये खाली मैं हाईलाइट करना चाहता था। और कोई भी एक जन आपके ग्रुप में से समुंदर जी बोल सकते हैं? सॉरी मतलब इंटरप्ट करने के लिए, इसको लर्नर एज ए प्रोड्यूसर हम बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप टर्म्स देते रहना, मेरे को ये टर्म्स नहीं पता है पर आपके अनुभव में ये आए हो तो बिल्कुल आप शेयर करते रहना। यस, लर्नर एज ए प्रोड्यूसर, ओके हम कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। ओके समुंदर जी, आपके ग्रुप में से किसी का नाम ले लो अगर उनको शेयर करना हो, कोई भी, मुझे पता नहीं आपके ग्रुप में कौन था। मेरे ग्रुप में थे सलीम जी, थे गजाला जी थी शायद, और टंटुन जी थी और एक साथी और थे, तो मुझे लगता है सलीम सर भी, मिंटो, गजाला और सलीम। हाँ तो सलीम सर या मिंटो सर या बोल सकते हैं। हाँ, मैं सलीम शेयर करना चाह रहा था कुछ चीजें समुंदर की बातों में। जैसे नॉर्मल क्लासरूम और जो वीडियो में जो हम लोग क्लासरूम को जो देखे उसमें एक बेसिकली जो एक अंतर जो मुझे देखने को लगा मेरे हिसाब से कि जैसे वहाँ क्लासरूम में क्या होता है कि अगर बच्चों के पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो अपने जो सवाल है, जो क्वेरी है, वो अपने कलीग से ही पूछेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा कि बच्चों के पास कुछ सवाल आए थे तो उसका सोल्यूशन उन्होंने अपने दोस्त से भी खोजा। इवन उनके पास ये ऑप्शन भी था कि हम बाहर में जाके जो गांव के जो जानकार लोग हैं जो लोकल चीज़ों को बनाने में किस तरीके से हम उसकी मदद ले सकते हैं, इसके पास उन्होंने बच्चों के पास ऑप्शन ज़्यादा था इवन नॉर्मल क्लासेस के बनिस्पत में। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि इनके पास ऑप्शन ज्यादा थे। एक ही अथॉरिटी और एक ही पर्सन नहीं है जिसको आप पूछते हो, पर इनके पास बहुत सारे लोग थे और बहुत तरह के अलग अलग अनुभव वाले लोग थे जिनसे वो पूछ सकते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है ये, थैंक यू। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। तो कोमल, आपके ग्रुप में से आप किसी को रेकमेंड कर सकते हो, कोई शेयर कर दे, दो मुद्दे बताने हैं। आई थिंक चंदन जी कर सकते हैं। ठीक है, चंदन जी आप शेयर करना चाहोगे कोई भी दो मुद्दे?
गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून. आई हैव सीन थ्री वीडियोस एंड द वर्किंग ऑफ क्लासरूम इन नेचर इज टोटली डिफरेंट व्हाट वी हैव सीन इन आवर डे टू डे लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव द रिसोर्सेस लाइक दे हैव द न्यूज़पेपर एंड दे हैव द microscope and the idol of Ganesh, so in which they may feel very convenient to express their observation and thoughts, and the teachers by collecting all the reactions and viewpoints of the students of the said classroom, he and she is presenting the data. Though the teacher is presenting the data individually, but it focuses the combined data and the combined observation of the students. And last point is the how is the flow of activities. The flow of the activities is very nice, and it is based on information and collectively and very spontaneously. This is much. ओके थैंक यू चंदन जी. और कोई आपके ग्रुप का एक मुद्दा जोड़ना चाहे तो जैसे स्पॉन्टेनियस चंदन जी. और कौन था आपके ग्रुप में? धर्मेंद्र जी अगर बोलना चाहे. बिकॉज़ हाँ धर्मेंद्र जी. जी मेहर भाई, मैंने जो वीडियो देखा था उसपे इस तरह का एक जिसको अपन ये कहेंगे एक तरीके का रिसर्च स्टडी जैसा वो था, जिसमें दो अलग अलग चीजों पे वो बातचीत कर रहे थे. एक तो ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें हाई नॉइस होता है या लो नॉइस होता है, तो उसके लिए डेटा कलेक्शन करना. जो स्टूडेंट डेटा कलेक्शन कर रहे थे और डेटा का एनालिसिस करके फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश कर रहे थे. और ऐसे क्या अलग लगा धर्मेंद्र जी, क्या अलग लगा आपको क्लासरूम में, वो एक बार आप बता सके तो बहुत हेल्पफुल. इसमें जो अभी ऊपर एक टर्म काम में ली गई थी ना, लर्नर एज ए प्रोड्यूसर, तो एक्चुअली एक स्टेटमेंट या जिसको अपन कह सकते हैं कि या एक सवाल अपन बना सकते हैं, और फिर हम उस सवाल की जांच के लिए जो मन में एक सवाल है उसका आंसर ढूंढने के लिए खुद से जाना, खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, ये स्टूडेंट के पास में एक अपॉर्चुनिटी है. एक्चुअली इस पूरे काम में जो स्टूडेंट है वो उस रास्ते को खोज पाते हैं जिससे वो एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना कैसे अपन उसको करें. तो सेम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट और था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर था कि भाई अलग अलग स्लम्स वगैरह के अंदर जो सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा कितना मिलता है, तो उसके लिए उन लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन बना के, और उसमें इंटरव्यू का भी प्रोसेस होता है इसमें, और खुद जाके देखना होता है, डेटा का कलेक्शन करना होता है, एनालिसिस करना होता है. राइट बढ़िया. तो इंक्वायरी बेस्ड पूरा अप्रोच रहता है कि उनके वो जो खुद सवाल बनाते हैं और फिर उसको इंक्वायरी करते हैं, उस सवाल के उसकी जांच करते हैं, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. वो आपको एक आपने एक मुद्दा बताया कि वो रियल लाइफ इंक्वायरी जो है वो नॉर्मल क्लासरूम से आपको अलग लगती है कि यहाँ पे ये देखने को मिली. तो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग. क्योंकि ये 6th to 11th के लिए जो ग्रेड है उसके लिए था, तो इसके अंदर भी फिर आगे हायर लेवल भी जुड़ जाता है जिसमें डेटा का क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा उन दोनों का एनालिसिस कैसे करें उसको भी समझना होता है, और टीचर्स इसमें हेल्प करता है. राइट बिल्कुल ठीक है, बढ़िया.
तो नेक्स्ट ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू नरेंद्र जी। तो ये सेम वीडियो जो है हमारे ग्रुप ने भी देखा था, तो मैं तरुण जी को और अमित जी को और संध्या जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ मुद्दे ऐड करें इसमें। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, जिसे अभी सर ने बताया, धर्मेंद्र सर ने, कि एक तो है कि दो चीजें और इसमें ऐड करना चाहूंगा, सेम चीजें ही थी। एक तो है कि अपने परिवेश की समस्याओं को समझते हुए उसमें एक समाधान के लिए रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे नॉर्मल बुक में नहीं होता है, बुक में उस तरीके का नहीं होता है हमारा वर्क। तो कॉन्टेक्चुअल, वो जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर वो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। यस, ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से था, क्योंकि किताबों में तो दिया रहता है इन चीजों को करो, टॉपिक बाय दिया हुआ रहता है, तो एक है वो है। फिर है कि अपने अनुभवों पे का टॉपिक भी खुद से चुन रहे हैं, टॉपिक चुनने की भी आजादी थी उनमें, वीडियो में देखा गया टॉपिक खुद चुन रहे हैं, किताबों में तो टॉपिक पहले से तय रहती है, तो एक वो चीज नया उसमें। फिर है कि सभी की भागीदारी थी, तो वो तो खैर बुक में भी रहती है, एक्टिविटी जैसा होता है डिजाइन। राइट, तो ग्रुप में काम करना एक भी एक अलग चीज। अमित जी, क्या अमित जी? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, तो जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मेरे वही दो पॉइंट है। तो ये के इस पूरी वीडियो में मुझे लगा कि ये रिसर्च बेस्ड एक लर्निंग है, जिसको हम ऐसे ऑथेंटिक लर्निंग कह सकते हैं, कि बच्चे खुद कर रहे हैं और खुद करके सीख रहे हैं, जो कि हम नॉर्मली अपनी क्लासों में उस तरीके की प्रैक्टिस कभी देखते ही नहीं है। दूसरा, मुझे इसका जो एक सबसे अच्छा पक्ष लगा उसमें ये भी था कि डेटा को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें, या उस डेटा का यूज हम अपनी लर्निंग के लिए कैसे करते हैं, तो वो बच्चों ने खुद ही करके सीखा है। क्योंकि मैं ढेर सारे लोगों को देखता हूँ, डेटा होता है लेकिन उस डेटा का हम इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं वो नहीं आता है लोगों को। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें बच्चे करके और सारी चीजों को सीख रहे थे। और तीसरा ये था कि जैसे किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, उनका मूल्यांकन करना, उनको किसी एक नतीजे पे लेके जाना, और ये सारी चीजें ना, जब हम इस तरीके के स्किल पे बच्चों के काम करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उनके फ्यूचर में भी वो इन सारे कौशल पे अगर ठीक से काम होता है, तो चीजों को देखने के उनके नजरिए का जो जो भी पर्सपेक्टिव है वो बिल्ड होता है। राइट राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि ये जो नया एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है चीजों को देखने का, जब आप रिसर्च के मतलब एक इंक्वायरी करते हुए देखते हो, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हो, तब एक नई तरीके से एक नई दुनिया आपके सामने दिखती है कि यार इसको तो मैं इस तरह से समझ रहा था, पर जब जांच के देखा तब ये पता चला। आप तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि खाली स्वीकार ना लेना पर जांच करके देखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। संध्या जी, आपको कुछ ऐड करना है क्या, या फिर हम आगे के ग्रुप की ओर बढ़ते हैं? एक चीज और छूट गई थी जो मुझे ऐड करना था, जैसे इसमें देखा कि सभी विषयों का समावेश, मतलब हम जो भी सीखने सिखाने की गतिविधि कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी विषय सीख रहे हैं उससे, केवल ये नहीं कि भाषा सीख रहे हैं, गणित सीख रहे हैं, भूगोल सीख रहे हैं, इतिहास, सभी विषय का समावेश हो रहा है वहाँ पे सीखने में। राइट, तो एक अलग है। तो ये मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, भाषा भी आता है, गणित भी आता है। बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट था तारिक के ग्रुप को पूछते। तारिक, आपके ग्रुप में कौन था, आप रेकमेंड कर सकते हैं? मेरे ग्रुप में तो मैं गया नहीं अंदर, क्योंकि बाहर से मुझे मैनेज करना था कौन अंदर, मतलब सब ये ब्रेकआउट रूम को, तो उस टीम से मैं खुद ही बोलूंगा कि आपकी पिक्चर में तारीख का ग्रुप में हम थे, इमरान थे और तो फिर आप लोग बोलिए। यस, तो हम लोग थे, तो एक्चुअल में हम लोग का जो जो
वीडियो देखे थे, उसमें जैसे कि था कि जो ब्लाइंड लोग किस तरह का जो चैलेंज फेस करते हैं, तो उसके ऊपर जो वीडियो था, तो ये चीजें थी। तो उसमें अगर वीडियो के ऊपर कुछ बात करें कि जो मतलब जनरल क्लासरूम और जो ये वाला जो क्लासरूम था, इसमें किस तरह का जो डिफरेंस था उसके ऊपर बात करें। हाँ, आप डिफरेंस के ऊपर बात कीजिए। क्या हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। ओके ओके, तो आप डिफरेंस के बारे में बताइए, जनरल क्लासरूम और ये वाले वीडियो में जो आपने क्लासरूम देखा उसमें क्या अलग दिखा हो, वो बताइए। आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मेरा नेटवर्क कट गया था तो आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, तो जैसे कि जो अगर देखे तो इसमें हम लोग जो वीडियो देखे थे उसमें दो ग्रुप काम हो रहा था, मतलब टीचर्स ने दो ग्रुप डिवाइड किए थे और बच्चों के साथ काम कर रही थी। दूसरा चीज था कि टीचर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देते जा रहे थे उस तरह से बच्चे वर्क करते जा रहे थे। मतलब जैसे कि अगर वो एक बच्चों को बोल रहे थे कि क्या आपने ब्लाइंड लोगों को देखा है, वो किस तरह से दिखते हैं या किस तरह का वो ब्लाइंड है, तो ये वाला चीज को लेके बच्चों से एक्सपीरियंस ले रहे थे वो। दूसरा चीज था कि बच्चों को भी वो उस तरह के एक्टिविटीज करके किस तरह का चैलेंज फेस करते हैं ब्लाइंड लोग, वो वाला चीज को करवाए। जैसे कि उन लोगों का आंख में पट्टी बांध करके, उन लोगों को अपना लंच बॉक्स से कुछ निकाल के खाने के लिए बोले, फिर वो अपना लंच बॉक्स को उसी तरह से पैक करके फिर बैग में डालने के लिए बोले। दूसरा उन लोगों को फिर से कॉपी में कुछ लिखने के लिए बोले कि लाइन बाय लाइन, मतलब थ्री लाइन में उन लोगों को लिखना है। फिर अगला जो ग्रुप था उन लोगों को बोले कि आप चल के जाओ यहाँ से, दूसरे क्लासरूम में भी जाओ, ब्लैक बोर्ड पे भी जाओ, वहां पर चौक उठाओ, कुछ लिखो, इस तरह का वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो वो मतलब एक किस तरह का जो चैलेंज फेस करते हैं उससे वो एक्सपोजर देना चाह रहे थे। दूसरा चीज था कि वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे उसका यूज कर रहे थे। और एक था कि जो हम लोग को जो क्वेश्चन मिला हुआ था कि व्हाट आर सेंस यूज्ड बाय चिल्ड्रन, तो वो मतलब जैसे कि टच करके देख रहे थे, फिर जैसे कि लंच बॉक्स में टेस्ट करके देखे, फिर कुछ स्मेल कर का भी वो उन्होंने उपयोग किया। और वो एक्चुअल में जिस जैसे कि क्लासरूम में चाहे बाकी जो सारी चीजें थी, तो उसमें वो सुन के भी बहुत सारी चीजों को अनुभव कर पा रहे थे। फिर एक था कि जिस तरह से टीचर इंस्ट्रक्शन देते जा रहे थे उस तरह से वो बच्चे सारी चीजों को करते जा रहे थे। एक और चीज था कि जैसे कि वो मतलब एक्चुअल में जो डेली लाइफ में जिस तरह से ब्लाइंड लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसके ऊपर कुछ ब्लैक बोर्ड में भी वो कुछ पर्चा वो लगाई हुई थी टीचर, तो फिर उसके ऊपर भी वो बात कर रहे थे। दूसरा चीज है कि जो बच्चे जब इन सारी चीजों को कर रहे थे और उनका जो अनुभव था तो उसको भी शेयर करने के लिए बोला गया उनको। और दूसरा चीज था कि उनको क्या चैलेंजेस आ रहे थे तो उसको भी शेयर करने के लिए बोला गया था। दूसरा चीज आप जो पूछ रहे थे कि जो नॉर्मल क्लासरूम और ये वाला जो वीडियो वाला जो क्लासरूम था इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो एक तो था कि जैसे कि नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है कि अगर हम ब्लाइंड लोग किस तरह का चैलेंज फेस करते हैं, इन सारी चीजों को एक मौखिक तौर पर बता देते हैं कि उनको चलने में दिक्कतें आती हैं, उनको पता करने में दिक्कत है, कहीं पर गड्ढा है तो वो पता नहीं चल पाता है, इन सारी चीजों को हम बता देते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ पर उनको करके जो अनुभव कर पा रहे थे और उन सारी चीजों को जो कर रहे थे वो एक्चुअल में बहुत अच्छा था, वो करके सीखने वाला जो चीज था, तो ये चीज था। राइट राइट, थैंक यू आशुतोष। इमरान जी, और कुछ जोड़ना है?
इसमें एक चीज और, हाँ इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, जैसे अभी लास्ट में आशुतोष जी बोले कि क्लास में जो क्लास प्रोसेस होता है और इस क्लास में जो था वो करके सीखने वाला तो था ही, साथ में ये होता है कि जो बच्चे ब्लाइंड नहीं है वो देख करके सुन करके वो चीजों को समझ जा रहे हैं और लिख ले रहे हैं, लेकिन जब ब्लाइंड की क्लासेस होती हैं तो वो चीज अपने जो सारे सेंसेस होते हैं उन चीजों को यूज करते हुए क्लास की चीजों को ऑब्जर्व करना, मतलब आंख के अलावा जो भी उनके पास सेंसेस हैं उसको यूज करते हुए क्लास की चीजों को ऑब्जर्व करना, उसको देखना समझना, तो वो चीज जो है बच्चे यहाँ पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके उस चीज को वो महसूस कर रहे थे और वो रियलाइज भी कर रहे थे कि बच्चे जो है जो ब्लाइंड है वो किस तरह से चीजों को समझ पाते हैं या देख पाते हैं या कर पाते हैं, कितनी उनको मतलब प्रॉब्लम होती है या इजिली कर पाते हैं, वो चीज ऐड करना। राइट, तो बेसिक जो आइडिया है। हाँ, और एक चीज है कि जो मतलब हमारे आसपास जो दुनिया है वो नॉर्मल लोगों से भरा पड़ा हुआ है, पर एक एम्पैथी उनपे क्रिएट करना, जो चैलेंजेस वो ब्लाइंड या फिर जो भी डिसेबिलिटीज है या फिर जो प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं उनके तरफ एक एम्पैथी क्रिएट करना एक बेटर ह्यूमन बींग के लिए, कि एक वो बच्चे को हम छोटे उम्र से ही सिखा रहे हैं कि अगर ब्लाइंड है उनके साथ हम ट्रीट ठीक से करें, उनके साथ व्यवहार ठीक से करें, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। मतलब मैं एक कॉन्फ्रेंस में जो था कुछ दिन पहले, उसमें सिखाया जाता है बच्चों के एक स्कूल के लिए कि वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई बुजुर्ग आदमी है अगर बस ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं तो उनके लिए जगह छोड़ देना चाहिए, मतलब एक बेटर ह्यूमन बींग बनाने के लिए भी ये एक अच्छा मतलब ये था। राइट राइट राइट, तो हाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे समाज में, हमारे आसपास में, तो उस डाइवर्सिटी के प्रति अवेयर होना और उससे एम्पथाइज कर पाना वो भी इससे हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया। तो ये हाँ हाँ इमरान भाई, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे बच्चे के कुछ एज ए टीचर इंस्ट्रक्शन जो भी चीजें मिल रही थी वो सारे एक्टिविटीज को फियरलेसली कर रहे थे, यानी कि टीचर्स और चिल्ड्रन के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, चाहे तो एनवायरनमेंट यानी कि लर्निंग फ्रेंडली था कह सकते हैं पूरी तरह से, और फियरलेसली था। और दूसरा चीज जो भी एक्टिविटीज जैसे ब्लाइंड वाली फीलिंग दिले की बात है तो बच्चे उन चीज़ों को आत्मसात कर पाए, इम्बाइब कर पाए, तो उस तरह से उनको करने का ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अपॉर्चुनिटी वहाँ अवेलेबल। बिल्कुल, तो ये लिसनिंग वाली जो बात कही आपने वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बारी बारी से टर्न लेके बच्चे बोल रहे थे, अपना अपना मत प्रदर्शित कर रहे थे, एक दूसरे की बात सुन रहे थे, वो भी एक नॉर्मल क्लासरूम से अलग है। नॉर्मल क्लासरूम में हाथ ऊपर कर देते फिर या तो चिल्लाते हैं जोर जोर से कि मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, फिर टीचर शायद जिसका जो फेवरेट हो उसको बोल देता है या जो सबसे ज्यादा बोलता है उसी को मौके मिल जाते हैं, बाकी लोगों को सुना नहीं जाता, ऐसा भी कई बार होता है। पर यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हुआ कि बारी बारी से सबकी बात सुनी जा रही थी और रिश्ता बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग अच्छा था। इमरान भाई ने वो भी बहुत ही अच्छी बात कही। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा नॉइज मेरे घर के पास आएगा थोड़े टाइम के लिए, मैं अंदर वापस चला जाऊंगा अभी एक मिनट में। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। करुणा, आपके ग्रुप से सुनते हैं आप लोगों ने क्या देखा और क्या क्या आपको डिफरेंस नजर आए। करुणा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो शायद। ओके, करुणा के ग्रुप के जो लोग है वो प्लीज बोल दे क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक करुणा मौसमी बोल रही है सर। मौसमी लिप रीडिंग। हाँ, लिप रीडिंग करते हैं। हाँ, मौसमी बोलो। हाँ, हमारे ग्रुप पे वो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो था वो वीडियो था। वो टीचर ने पहले ही उनको इंस्ट्रक्शन दे दी थी जो कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कुछ कुछ वहाँ पर जो
आइटम्स मिलते हैं, वो बेम्बो वाला वो कैसे बनते हैं, लोगों को पूछकर या देखकर एनालिसिस करके वो लोग बनाती है। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो वीडियो बनाना पड़ता है, वो कैसे बनेगा, वो मोबाइल से कैसे वो स्टैंड लेकर कैसे बनेगा, इस पर वो वीडियो थी। उन लोगों ने खुद ही मतलब कैसे स्टैंड पर मोबाइल को रखेगा, स्टैंड कैसे बनेगा, उस पर चर्चा की। वो लोग वो कार्टून वगैरह लेके कार्टून व वूल या जो थे उस पर गत के मोबाइल को गत के ऐसे ही एक स्टैंड बनाया। फिर उन्होंने असली जो स्टैंड था वो देखा, वो कैसे बनते हैं, वो कैसे थ्री पोल पर उनको स्टैंड किया जाता है, वो बेम्बो से कैसे बनेगा, उस पर उन लोगों ने चर्चा की, उस पर बनाया और डॉक्यूमेंट्री बनाया। और उसके आगे वो लोग स्टैंड के लिए ड्रॉ भी किया, कैसे स्टैंड बनाएंगे, उसके उसका डिजाइन कैसा होगा, उसके जैसा एक ड्रॉ करा, ड्रॉ करके उन लोगों ने वो स्टैंड बनाया। ऐसा था हमारा वीडियो। और आपको क्या अलग लगा मौसमी बाकी क्लासरूम से, इसमें क्या अलग लगा वो एक मुद्दा बता दीजिए आप। हाँ, वो लोग बहुत हैप्पी थे, वो जनरल क्लास की तरह नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने कुछ देखा, उसके जैसा उन लोगों ने एनालिसिस किया, फिर उन लोगों ने कैसे बनेगा ऐसा कुछ सोचा। तो इसीलिए वो माहौल भी कुछ अलग था, नॉर्मल क्लास के जैसा नहीं था, वो खुद ही करके सीखा, तो वो मुझे अलग लगा। ठीक है, थैंक यू मौसम। तो ये हैप्पी वाला मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, ये सबसे पहले दिखता है कि यार बच्चे खुश दिख रहे हैं। यस, हाँ कोई बोल रहा था। यस हाँ अमीर सर, मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें, जैसे कि ये नॉर्मल क्लासरूम से जो ये क्लासरूम इसलिए भी डिफरेंट था, क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम में जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई भी टास्क असाइन कर देते हैं और उसको बच्चे को करना होता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो है अपने पसंद के हिसाब से अपना टास्क खुद ही चूज कर रहे थे। मतलब किसी को ऐसा नहीं था कि आपको ये करना है या ये करना, मतलब वो फ्रीडम था, एक फ्रीडम दिख रहा था कि बच्चे अपने टेस्ट के हिसाब से अपना टास्क कर रहे थे, तो ये चीज था। और यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस के ओर से आप सोचो कि कुछ बच्चों को बोलना पसंद होगा, कुछ बच्चे लिख के सीखते हैं, कुछ बच्चे करके सीखते हैं, तो सब जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, हम लोग बीएड में या ऐसे आपने नाम सुना होगा कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है बच्चों की, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीड पे बच्चे सीखते हैं, तो जब ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं साथ में, तब वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल भी इसमें कैटर हो जाती है, वो साथ में पीयर्स के साथ रह के वो कवर हो जाती है, तो वो भी एक इंक्लूसिव स्पेस बन जाता है लर्निंग का ऐसे प्रोजेक्ट्स, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। सो थैंक यू इंटरेस्ट भाई। ओके, तो कौन सा ग्रुप रह गया, लास्ट वाला ग्रुप? आई थिंक पांच लोगों से हमने सुना, पांच ग्रुप से हमने सुना, लास्ट एक ग्रुप बाकी है। कौन सा ग्रुप बाकी है? जयश्री, तुम्हारा ग्रुप? यस, हमारा एक ग्रुप बाकी है। हमारे ग्रुप में से भवानी शंकर शरणु और उमा थे। तो शरणु और आप तीनों में से कोई भी बताना चाहते हैं? शरणु आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैडम, बाद में लगे तो जोड़ देंगे हम भी। yes. सभी को नमस्ते। जो मैंने जो वीडियो देखा था उसमें कि टीचर जो फर्स्ट जो ब्लाइंड के बारे में बच्चों को समझने समझाने में थोड़ा एक्टिविटी करा रहे थे,
पहले उन्होंने क्या किया कि बच्चों को ब्लाइंड पीपल कैसे आइडेंटिफाई करते, आप बच्चों को क्वेश्चन डाले तो बच्चों ने एक एक करके जो एक आँख बंद रहता उसको हम ब्लाइंड पीपल बोलते, जो वॉक स्टिक को पकड़कर चलते रहते हैं उसको हम ब्लाइंड पीपल बोलते, वैसे बोल रहे थे। बाद में टीचर ने क्या करे कि उनको ग्रुप में एक एक एक्टिविटी दिया। जो एक्टिविटी था पहला जो करचिप से आँख को बंद कर दिया बंद करके बच्चों ने जो टिफिन बॉक्स में जो फूड लाए थे उसको थोड़ा का कर देख रहे थे। उसमें मैडम ने टाइम स्टॉप वॉच को रखा था, जब उन्होंने टाइम खत्म हुआ तो जब बच्चों ने टिफिन को बंद कर और आंख को खोला था तो उससे ये मालूम पड़ता कि बच्चों को ब्लाइंड पीपल कैसे चैलेंजेस खाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसे समझ पाते हैं हम। दूसरा ग्रुप सेकेंड ग्रुप को एक A4 शीट देकर वहाँ भी बच्चों ने आंखों को दुपट्टा से बंद कर लिया था। वहां पर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि राइट डाउन द नेम ऑफ स्कूल एंड आपका नाम और बर्थ डेट और ब्रेकफास्ट का आप जो ब्रेकफास्ट खाया है उसका नाम, और इसको तीन लाइन में डिफरेंट लाइन में आंख को बंद कर लिखने को कहा था। इससे ये भी मालूम करता है कि जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं वो कितना चैलेंज फेस करते हैं कि जो लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। और बाद में बच्चों को एक ग्रुप को एक काम दिया था कि बच्चों को जो दूसरे क्लास में टीचर जो चाक पीस रखा था उसको लेकर आने के लिए टीचर ने कहा, जो बच्चों आंख बंद कर ढूंढने के लिए गए थे दूसरे क्लास को, वहां पर वो बहुत दिक्कत हुआ उनको कि, और टीचर ने ये भी कहा कि दूसरे साथियों को भी थोड़ा हेल्प लेकर आप वो उसको ढूंढ सकते हैं, फिर भी बहुत बच्चे नहीं ढूंढ पाए। बाद में टीचर ने बताया कि बच्चों को व्हाट आर द एक्सपीरियंस ऑफ दैट टाइम जो आपने चाकपीस को ढूंढ रहे थे, जब क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, आपको ग्रुप में शेयर करने के लिए बोला था, बच्चों ने एक एक करके अपने जो चैलेंजेस आए थे उसको शेयर करे। सो इससे मालूम करता है कि बच्चों का अपने ओन एक्सपीरियंस से जो सीखने का है ना, इससे बहुत वो मालूम पड़ता है कि ब्लाइंड पीपल क्या क्या चैलेंजेस फेस करते है, और उससे उनको भी ये भी मालूम पड़ता है कि हम भी ब्लाइंड हुए तो थोड़ा इतना बहुत कुछ चैलेंजेस को हम भी फेस करना पड़ता था, ये सब मालूम पड़ा मुझे। राइट राइट। शरणु, मैं आपको क्या डिफरेंस लगा दूसरे क्लासरूम से, इस क्लासरूम में क्या डिफरेंस लगा? दूसरे क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते ना वो क्या कि वो कंटेंट बेस्ड रहता, लेकिन यहाँ पर बच्चों जो सीख रहे थे वो एक्सपीरियंस से रियल एक्सपीरियंस से तो से सीख रहे थे। जो बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि टीचर क्या पढ़ाने जा रहे वो नहीं मालूम था, लेकिन बच्चों जो सीखते सीखते एक एक एक्टिविटी करते करते मालूम पड़ा कि जो ब्लाइंड पीपल रहते कितने चैलेंजेस को फेस करते और कितने इस वर्ल्ड में कितने ब्लाइंड लोग हैं, वो कैसे अपना काम कर लेते, कैसे एक दूसरे को समझने में कितना दिक्कत होगा, ये सब उन्होंने रियल एक्सपीरियंस को लिया वहां पर। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा कि बच्चों को नहीं पता था कि टीचर क्या पढ़ाने वाली है, ठीक है, तो वो एक मिस्ट्री ही था, और पर वो एक्सपीरियंस में से वो गुजरे और उसमें से उन्होंने डिराइव किया कि क्या सीखना था उनको और किस तरह से वो हुआ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ठीक है, लास्ट में किसी और को, हाँ लास्ट में टीचर जो कंटिन्यू सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कल हम और कुछ इसके बारे में और कुछ चैलेंजेस को देखेंगे फिर कुछ सोल्यूशन को भी देखेंगे बोलकर उन्होंने बच्चों को समझाया। इससे बच्चों को कि कल हम भी ब्लाइंड पीपल को कैसे हेल्प कर सकते हैं वो समझ में आ जाएगा बच्चों को। राइट राइट। तो आगे का भी प्लान उन्होंने थोड़ा सा शेयर किया कि भाई कल हम ये करने, और कंटिन्यूशन में था, एक शुरुआत की और फिर उसी के कंटिन्यूशन में दूसरा था। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। शरण, मैं आपके ग्रुप से कोई और कहना चाहता है कुछ तो लास्ट रिस्पांस ले लेते हैं।
नमस्ते सर। हाँ, ये जो हमारा जो थीम था, वीडियो का थीम था चैलेंजेस फेस्ड बाय ब्लाइंड पीपल, इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से लर्निंग जो आउटकम है इसका था टू इनकल्केट द क्वालिटीज ऑफ एम्पैथी अमंग द चिल्ड्रेन। मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि एम्पैथी पर लेक्चर देने के बच्चों के अंदर हम एम्पैथी पैदा नहीं कर पाएंगे, और जो हुआ वीडियो में जो हुआ इससे बच्चों का एम्पैथी इनकल्केट करने के आसान होगा, जो इंटरनलाइज करेंगे एम्पैथी क्या है, और भविष्य में उनका एम्पैथी जो क्वालिटी एम्पैथी का जो क्वालिटीज डेवलप करेगा। और ये जो क्लासरूम प्रोसेस तो टीचर का रोल नहीं फैसिलिटेटर का रोल निभाया था, ये भी बहुत अच्छा लगा। राइट राइट, थैंक यू शेयर करने के लिए। तो ये सारे वीडियोस हम लोगों ने देखे, मतलब अलग अलग टीम के वीडियोस के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को पता चला होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं उनके वीडियो में। लगभग सबने अपने वीडियोस के बारे में भी बताया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट्स आए हैं। तो अभी थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है? तो पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे आलस खानी हो तो आलस खा लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं। पर सिर्फ दो मिनट है, तो 4:31 हुए हैं, तो 4:33 में हम लोग वापस आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे कुछ ऐड करना था, अगर ये ब्रेक में हम डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करेंगे तो चैट का भी क्रॉस चेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने नए डिवाइस से चेक किया तो वो ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो अच्छा ठीक है, तो मेरे अभी चैट का ऑप्शन दिखने लगा है अभी। ठीक ओके, तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं फिर लोग, हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक ओके। यस, चैट का ऑप्शन आ गया है, थैंक यू तारिक, जो भी तुमने जादू किया है चैट वापस yes, काम के लिए। इधर भी आ गया है। हाँ बढ़िया। ओके, सो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सबके उसमें चैट का ऑप्शन आ गया क्या? आप थम्स अप दिखा सकते हैं? नहीं, मेयर जी नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा, अरे बाप रे। तो समुंदर जी, शरद, नो, इनके सब में आ गए। आप लोग मोबाइल से कनेक्ट किए हो क्या या लैपटॉप से कर रहे हो? लैपटॉप से कर रहे हैं। अच्छा, लैपटॉप से कर रहे हैं। मैंने मोबाइल से किया है मगर फिर भी नहीं सुना। नहीं, तो काफी सारे लोगों में तो आ गया है। ये लोग चैट में रिप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ लोगों में नहीं आया। ठीक है, और भी तो आप लोग एक काम करना, एक से बात कराते आप लोगों की, मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के नाम जिनके नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट टाइम जब वेबिनार होगा तब आपसे पहले से एक बार बात कर पाए हूँ। ठीक है, चलो। तो आप लोग अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप का यूज करना, बाकी लोग जिसका आ गया है, काफी सारे लोगों का तो आ गया है चैट का ऑप्शन, तो वो लोग चैट में देंगे। ठीक है, चलिए। तो तारिक को होस्ट बना देना तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं। बिल्कुल। तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने जो तय किया था कि भाई आप लोग वीडियो देख के उसमें से ईएल के एलिमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एलिमेंट जो है वो खोज पाओगे, तो मुझे लगता है कि वो आप लोग बखूबी कर पाए और हम सब साथ। एक मिनट रुकते हैं, 5 लोग जुड़ना बाकी है। ओके ओके, 31 थे अभी 26 हो गए। ठीक है, रुक जाते हैं। यस, हम्म,
वो रिकनेक्ट करने में एक एक थोड़ा खतरा रहता है थोड़ा नहीं ज्यादा खतरा रहता है ये वाला अपन थोड़ा ही फेस कर अभी 26 से अभी 25 हो गए वैसे मेरे भाई से एक बात और कहना चाह रहा था मैं एक्चुअल में चार्ट नहीं आ रहा था सब लोगों के है ना तो हमारे गांव 2 मिनट का ब्रेक है नहीं जोड़ जाकर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कई बार क्या होता था कि पानी नहीं होता था तो कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गा चढ़ाओ कुछ लोग बोलते थे बकरा चढ़ाओ अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम बोल करके आए तो शायद चैट नजर आने लग जाए मैंने तो अभी ऐसा कर भी देखने लग गया देखो उसके बिना ही हो गया देखो आ रहा है देखो तो हमने तारीख को मेरा भी आ गया ये देखो हो गया तो देखो खाली आपके बोलने से ही हो गया समुंदर जी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मानता मानने के विचार से ही काम हो गया तो देखो मानता मानेंगे तो फिर तो क्या क्या होगा नहीं एक्चुअली मान्यता ही विचारों पर आधारित है ना अनकॉन्शियस माइंड मान लेता है वही लगभग होता है तो हमने तारिक को रिक्वेस्ट किया था कि भाई कुछ चेक कर लेना उसने कर लिया पीछे पीछे हम जब ये सब बातें कर रहे थे तब वो टेक्निकल उसने देख लिया और कर लिया बढ़िया चलिए अभी क्या नंबर है 25 ही है ठीक है और 10-20 सेकंड वेट करते हैं कौन सी टीम से लोग नहीं है अपनी अपनी टीम वालों को बुला लो देखो कौन सी टीम वाले नहीं है वो ऐसे बच्चों को जब प्रवास ले जाते हैं ना ऐसे बच्चों को ट्रैवल कर पिकनिक ले जाते हैं तब ऐसे बस में बिठाया होता है तो बोलते हैं अपनी बाजू वाले की अपने दोस्त आ गए कि नहीं बस में ऐसा देख लेना ऐसा बोलते तो इधर भी आपको ऐसा थोड़ा करना पड़ेगा कि आपकी टीम के लोग आ गए हैं कि नहीं थोड़ा सा देख लेना तो ठीक है हम लोग शुरू करते हैं हमें टाइम भी देखना है तो फिर आ जाएंगे कि लोग तो यस जो मैं कह रहा था कि हम लोगों ने जो लर्निंग आउटकम रखा था कि भाई हम वीडियोस देख के उसमें से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एलिमेंट्स जो है वो पहचान पाएंगे ऐसी कोशिश करते हैं साथ में मिलके तो वो मुझे लगता है काफी हद तक हम लोग कर पाए तो इसमें से मैंने कुछ पहले से लिख के रखे थे कि ये एलिमेंट्स पे बातचीत और कर सकते हैं तो जो भी वीडियोस हमने देखे इसमें एक चीज जो कॉमन थी वो थी कि वे रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे सारे कि वे जिसमें बच्चे खुद करके देख रहे थे सच जो भी चीजें थी वो सच थी बनी बनाई नहीं थी मतलब खाली टेक्स्ट बुक में से या लिख के या बोल के सुनाई जा रही थी या खाली फोटो दिखाया जा रहा था ऐसा नहीं था पर रियल चीजें थी ठीक है हम करके देख रहे थे वो सिचुएशन में घुस के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था सबसे पहली जो कॉमन बात थी दूसरी जो बात थी यूज ऑफ मल्टीपल सेंसेस एंड बॉडी पार्ट ठीक है कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि जिसमें खाली बच्चे सुन रहे हैं या खाली बच्चे लिख रहे हैं ऐसा नहीं था पर बहुत सारे अलग अलग सेंसेस का उपयोग कर रहे थे वो सुन रहे थे वो बोल रहे थे वो कुछ करके देख रहे थे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एक्शन कर रहे थे वो सारे मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व थे तो ये मल्टीपल सेंसेस का उपयोग इसमें देखने को मिला फिर तीसरा था कि ग्रुप्स एंड पेयर में काम कर रहे थे ठीक है हर एक जो आपने वीडियो देखा होगा जैसे ये ब्लाइंड पीपल वाला जो वीडियो था चैलेंजेस ऑफ ब्लाइंड पीपल तो उसमें भी दो ग्रुप्स बनाए थे टीचर ने एक को उसने डब्बा खोलने को बोला एक को कुछ और काम करने को बोला तो इस तरह से दो ग्रुप में हुआ बाकी सारे वीडियोस में आप देखोगे तो ग्रुप में या पैर में काम हुआ है होल क्लास इंस्ट्रक्शन बहुत कम दी गई है कि पूरे क्लास को टीचर इंस्ट्रक्ट कर रही हो और सबको सेम चीज करनी हो ऐसा बहुत कम था पर ग्रुप में काम करना पेयर में काम करना ऐसा देखने को मिला फिर टीचर एज एक्सपीरियंस इनिशिएटर एंड रिफ्लेक्शन फैसिलिटेट ऐसा कुछ मेरे को एक लाइन सूझा तो मैंने लिखा कि भाई वो एक्सपीरियंस को इनिशिएट करता है ठीक है जो भी आपने देखा क्लासरूम में या प्रोजेक्ट में वो उसको इनिशिएट करता है और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करवाता है कि भाई हाँ अभी आपने आंखें बंद करके डब्बा खोला और उसमें से खाया तो आपको कैसा फील हुआ कैसा लगा तो ये रिफ्लेक्ट करवाना है उस पे सोच विचार करने की जो बात है वो फैसिलिटेट करता है ठीक है
तो ये चीज हर एक प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी कि हर एक जगह पे हर एक स्टेप्स पे टीचर जो है वो रिफ्लेक्ट करवाएगा कि भाई हाँ अभी हम लोग जो है वो टूल्स के बारे में खोज रहे हैं, तो हमने अभी पहले तो अपने को जितने टूल्स से पता थे उतने हमने लिख लिए, अब क्या कर सकते हैं, तो टीचर उनको रिफ्लेक्ट करवाएगा कि भाई हाँ अभी क्या कर सकते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ दूसरों को पूछ सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, वो उस डिस्कशन में से नई बात निकल के आएगी। तो हर एक स्टेप पे डिस्कशन होता है, हर एक स्टेप पे रिफ्लेक्शन होता है, सोचना पड़ता है हर एक स्टेप पे, तो वो एक बात इसमें लिखी। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिसोर्सिस यूज्ड एंड कल्मिनेटेड इन फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जैसे रिसर्च वाले वीडियो में आप देखो कि भाई अलग अलग टाइप का काम किया, पहले सवाल बनाया, रिसर्च क्वेश्चन बनाया, फिर उसका डेटा गैदर किया, सर्वे किया, डेटा को ले आए, फिर उसका एनालिसिस किया, डेटा को एनालिसिस किया और फिर प्रेजेंट किया। तो ऐसे अलग अलग विविध प्रकार की एक्टिविटीज थी उसमें, रिसोर्सेज भी अलग अलग प्रकार के यूज हुए। तो फाइनली एक रिसर्च का जो जवाब आया कि भाई गणपति के फेस्टिवल में जो नॉइज पॉल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है और वो कितना हानि करता है, उसका आंसर वो डेटा में से ढूंढ के लाए, वो भले ही परफेक्ट ना हो, भले ही अंदाजे से आया हो, अप्रोक्सीमेट हो, पर वो कुछ आंसर लाते, कुछ फाइनल प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे आप टूल्स वाले प्रोजेक्ट में या वीडियो में देखो तो उसमें आखिर में मोबाइल स्टैंड बनाते हैं, आखिर में कुछ बन के तैयार होके निकलता है, तो प्रोडक्ट हाथ में आता है, ठीक है। इसी तरह से आप ये जो ब्लाइंड के चैलेंजेस वाला वीडियो है, ठीक है, उसमें आप देखो तो उसमें भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने दिखाया कि फर्स्ट एक्टिविटी उन्होंने ये एक्सपीरियंस देने की करी, उसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे वो लोग और कुछ और कुछ और कुछ, और फिर आखिर में ये भी हो सकता है कि वो ब्लाइंड पीपल को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसका एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, कि भाई ये 10 बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। तो एक फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आया कि ये 10 बातों का लिस्ट है जो हम बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई भी ऐसा पर्सन देखे जो इस तरह की डिफिकल्टी से गुजर रहा है, तो हम उनको ये हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो ये बात सब में कॉमन थी कि भाई अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज यूज हुई है, पर अंत में एक कुछ निकल के आ रहा है, एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। वो किताब हो सकती है, वो नाटक हो सकता है, वो एक फिल्म हो सकती है, वो मोबाइल स्टैंड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का एक फाइनल प्रोडक्ट कुछ भी निकल के आ सकता है। फिर जो है आप सभी ने उस पर बोला कि चाइल्ड एज लर्निंग, सो क्या क्या वर्ड था वो जिसमें कंज्यूमर नहीं पर प्रोड्यूसर, नॉलेज, हाँ लर्नर एज प्रोड्यूसर, यस, हाँ। तो चिल्ड्रन वर्क ऑन इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्रिएशन, नॉट ओनली कंज्यूमर, वो लोग खाली जो इंफॉर्मेशन है उसको कंज्यूम नहीं कर रहे पर प्रोड्यूस भी कर रहे, वो खुद से जांच रहे चीजों को कर रहे, तो उसमें से उनको खुद को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अपना नॉलेज वो बना पाएंगे। वो एक कॉमन बात इन सब में थी। और आखिर जो है आखिर में मल्टीपल लर्निंग आउटकम एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग लर्निंग आउटकम पे थोड़ा 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 काम हुआ है और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी थोड़े 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 कवर हुए हैं। तो आप भाषा को देख लो या गणित को देख लो या विज्ञान को देख लो, पर्यावरण को देख लो, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ एलिमेंट्स है जो हमने फिल्म में से तलाशने की कोशिश की। ये सब कुछ आपने बोला ही है, मैंने बस उसको लिखा है एक 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 फॉर्मेट में, तो वो चीज हमने देखी, ठीक है। तो यही चीज हमको हमारे लेसन प्लान्स में भी करनी है। हमने जो लेसन प्लान जब फेस टू फेस वर्कशॉप में बनाए थे वो, और ये जो आपने क्लासरूम देखे वो थोड़ा सा आप कनेक्ट करके देखिए कि कहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे लेसन प्लान को, और क्या जोड़ सकते हैं उसमें, क्या हमारे लेसन प्लान में कोई ऐसा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है क्या, जैसे इन लोगों ने बनाया है कि कोई मोबाइल स्टैंड बना रहा है, कोई किताब बना रहा है, कोई कोई जो है वो ये रिसर्च करके उसका जवाब ढूंढ रहा है। तो ऐसा आपके लेसन प्लान में क्या हो सकता है, आपके टॉपिक में क्या हो सकता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो वाटर
अगर लेसन प्लान है तो वाटर को क्या हम कोई डूइंग एक्टिविटी में डाल सकते हैं क्या, कुछ करने वाली एक्टिविटी में डाल सकते हैं क्या, तो उसको टाइटल कुछ ऐसा हो सकता है क्या, या फाइंडिंग हम लोग दिन में कितना वाटर यूज करते हैं, हम दिन में कितना पानी यूज करते हैं, वैसा कुछ प्रोजेक्ट हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें सारे वाटर की बात जो आप करना चाहते हैं वो सब सारी बातें कवर हो जाएगी कि भाई हम नापेंगे कि हम दिन में कितना पानी यूज करते हैं, ठीक है, कौन और कौन किस चीज में ज्यादा पानी यूज करता है उसका एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं, तो सारे बच्चे घर से सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना पानी यूज होता है उसका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और उस पर फिर बातचीत हो और किस तरह से आगे जाया जा सकता है, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट हम लोग अनफोल्ड करके देखते हैं। अभी जो हमने वीडियोस देखे इसी तरह से जयश्री ने जो है एक प्रोजेक्ट बच्चों के साथ किया था बर्ड्स के ऊपर, जयश्री उसके बारे में अभी बताएगी, तो हम लोग थोड़ा उसको अनफोल्ड करते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, जैसे इसमें स्टेप्स थे, ठीक है, कि भाई पहले वो लोग रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से जैसे वो ब्लाइंड वाला वीडियो था उसमें वो बच्चे पहले एक्सपीरियंस करते फिर आगे बढ़ते फिर आगे बढ़ते इस तरह से, तो ये जो बर्ड वाला प्रोजेक्ट जो है उसमें जयश्री ने बच्चों के साथ मिलके एक किताब बनाई है जिसमें उस स्पेसिफिक जगह के बर्ड्स की इंफॉर्मेशन है, उसके बिहेवियर के बारे में, वो क्या खाते हैं, कौन से हैबिटेट में रहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन है। जयश्री तुम प्रेजेंट कर सकती हो क्या, वो किताब कैसी दिखती है, पीडीएफ अगर दिखा सको तुम। बस तारिक मेरा होस्ट इन्हें डिसेबल दिखा रहा है एक बार बस। हो गया तो ये जो किताब है वो बच्चों ने फैसिलिटेटर्स के साथ में मिलके बनाई है, तो ये आप थोड़ा सा देखिए और फिर हम इसको इसके प्रोसेसेस को खोलने की कोशिश करते हैं। ओपन करियो रेश, हमें सिर्फ टाइटल दिख रहा है, मतलब एक बार गो थ्रू करते हैं फिर। आपने शेयर स्क्रीन करके ना सिर्फ वो वाला विंडो को शेयर कर दिया है जिसके अंदर वो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं। हाँ बुक नहीं दिख रही है अभी फिलहाल। नहीं नो वी कैन ऑल ओनली सी 5 फाइल्स ऑन योर स्क्रीन। ओह यू हैव टू प्रोबब्ली डबल क्लिक ऑन दैट बुक। वापस से शुरू अभी दिख रही है। हाँ अभी दिख रही है। हाँ दिखने लगा। ओके तो जैसे तुम थोड़ा सा बताओ इस बुक के ओरिजिन के बारे में और फिर हम लोग इसके टास्क के ऊपर आते हैं। ठीक है, यस। तो ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में जवाहर करके ब्लॉक है, यहाँ के बच्चों ने बनाई हुई बुक है। तो वहाँ का जो इलाका है तो काफी फॉरेस्ट जैसा है, काफी जंगल है, तो वहाँ के बच्चों को बहुत सारी जंगल की बातें पता रहती है, मतलब जंगल उनको पढ़ना आता है, जैसे हम बोलते हैं कि बुक पढ़ना आता है तो उनको जंगल पढ़ना आता है, तो उनको बहुत सारी जानकारी रहती है। तो लेकिन जैसे हम बोल रहे थे अभी कि वो काफी इंफॉर्मेशन, जैसे डेटा की बहुत सारी बात हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ अभी उनके डेटा के स्वरूप में है। तो क्या हम इसे डेटा से आगे जा सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन के भी आगे जा सकते हैं, कलेक्शन से भी आगे जा सकते हैं, ऐसा रखकर इसकी शुरुआत की थी। तो जैसे कि ये बर्ड्स है लेकिन ये जंगल का एक एक हिस्से के बारे में है, ताकि और बहुत सारे थीम्स को लेकर हो सकता है। तो पंछियों के बारे में इनको बहुत सी जानकारी है, जैसे कि एक पंछी एक एक गमले में कितने अंडे डालता है एक बार में,
या फिर जैसे कि उसका रंग कैसे होता है, जैसे कि उसकी अगर शिकार करनी है तो वो कैसे करे शिकार, तो कहाँ मिलेगा वो, ऐसे सारे बहुत सारी चीजें उनको पता रहती है। तो फिर जब ये शुरू हुआ था तभी हम ऐसे ही जैसे हम गप्पे लड़ाते हैं वैसे उनके साथ पंछियों के बारे में गप्पे लड़ाना शुरू किया था। और फिर वो कह रहे थे कि हाँ हाँ ये ना हमने यहाँ पर देखा था, ये तो हमने ये पेड़ पर देखा था, ऐसी सारी चीजें वो बता रहे थे। फिर कोई कोई उनकी आवाज निकाल रहे थे कि अच्छा हाँ ये सुबह में इसकी ऐसी आवाज आती है और अगर रात को हम गए तो उसकी ऐसी आवाज आती है, तो ऐसे कोई आवाज के आवाज निकाल कर भी वो बता रहे थे। तो हम लोग ने एक छोटा सा एक इसमें ही जैसे अभी हम फॉरेस्ट वॉक के लिए गए थे, जंगल में घूमने गए थे, तभी उन्होंने बहुत सारे पंछी तो बताए, लेकिन फिर क्लास में आकर हम लोग ने कुछ माइंड मैप जैसे निकाला ताकि उसमें सब आ जाए कि उनके पंछियों के साथ क्या अनुभव रहे, या फिर उनको कौन से पंछी पता है तो उनके नाम है, फिर उनके रंग कैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, तो जो भी उनके दिमाग में अभी अभी पंछियों के बारे में है वो सब एक एक पेपर पे या फिर एक ऐसे बड़े बोर्ड पर, जैसे हम लोग ने ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा वैसे ही बड़े बोर्ड पर बहुत सारी चीजें इकट्ठा की, तो सब साथ में लिखी वो सारी चीजें। तुम प्रोसेस मत बताना अभी, हमको प्रोसेस उनसे पूछना है इसलिए अभी प्रोसेस मत बताना, खाली बैकग्राउंड ही देना था जो तुमने दे दिया है आई थिंक किताब के बारे में, है ना। सो अभी किताब एक बार ग्रो थ्रू करवा दो, उनमें क्या क्या चीजें दिख रही है वो दिखा दो, खाली बुक में क्या क्या चीजें है मतलब जो पंछियों के बारे में है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं दिखाओगी तो चलेगा। ठीक है। और फिर हम पार्टिसिपेंट्स को ही पूछते हैं कि क्या प्रोसेस के थ्रू ये बुक बनी होगी, आपके आपके आइडियाज क्या है इसमें, वो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो ये जैसे कि है ये वाले ऑब्जर्वेशंस अभी इसमें बच्चों ने लिखे हैं, जो वहां पर उनको बर्ड्स दिखते हैं तो उनका उनका ये साइंटिफिक नेम है, फिर मराठी में नेम है, फिर लोकल नेम उनका क्या है वो है, तो ये बच्चों के ऑब्जर्वेशंस और उनमें कुछ मुद्दों के ऊपर उन्होंने फिर लिखा है। बस अभी इससे ज्यादा एक शब्द भी मत बोलना तुम। ये पता नहीं मिहिर किसकी परीक्षा ले रहा है, जयश्री की या बाकी सब की। एक तो मराठी में है वैसे भी उनको समझ नहीं आने वाला, कौन कौन मराठी पढ़ सकता है। लिपि तो देवनागरी ही है तो काफी पता नहीं, तो ऐसा परीक्षा ले रहे हैं कि कहना ही नहीं। हाँ परीक्षा तो अभी लेनी पड़ती है भाई अभी ऐसे। ठीक है, एक तो मराठी में लिखा हुआ ऐसे समझ में नहीं आ रहा, खाली फोटो दिख रहा है कि उसमें कुछ चिड़िया है और कुछ लिखा हुआ है। ये पंछी पहचान पा रहे हैं क्या कोई, कौन से पंछी है ये पहचान पा रहे कोई, तो वो अभी निकला वो तो उल्लू था शायद। हमारे लिए अभी ऐसे भी देख शायद ऐसे भी देख सकते हैं इसमें से कौन से कौन से पंछी हम लोग के इलाके में दिखते हैं शायद वो। या सो अभी इसमें लास्ट पेज में सिर्फ उन्होंने खुद के, तो ये बच्चे हैं जिन्होंने ये बुक लिखा। बढ़िया। या ठीक है, तो अभी इसको रोकते जैसे हम लोग सबसे पूछते हैं कि तो क्या लगता है किस तरह से ये बुक बनी होगी, क्या प्रोसेस रहा होगा। कुछ कुछ तो जैसे ने बताया कि भाई पहले बच्चों के अनुभव जो है उसने कागज पे लिख लिए, क्या जानते थे वो लोग और किस तरह से करते थे। अभी हमने वीडियोस भी काफी सारे देखे कि जिसमें इसी तरह का थोड़ा सा काम बच्चे कर रहे थे, इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का भी आप लोगों ने वीडियो देखा जिसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात भी की गई थी। तो कोई भी शेयर कर सकता है कि पहले क्या किया होगा, बाद में क्या होगा, अंत में किताब बनती है,
ठीक है, तो क्लासरूम में क्या हुआ होगा, बच्चों के साथ क्या बातचीत रही होगी, क्या स्टेप्स रहे होंगे, वो कोई बता पाए तो हम लोग शेयर करते एक दूसरे को बताते। और जैसे तुम वो एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के वो हम लोग लिख सकते हैं जो भी शेयरिंग आता है वो स्टेप्स वन बाय वन। सबको सवाल समझ में आ गया क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? May I speak now? Virji? हाँ हाँ यस यस चंदन हाँ। At first there is a direct knowledge and involvement of the students to go to the forest to grasp the knowledge. That is the main thing of the text. Second, the students have the knowledge that is the birds about the birds in regional language, in Marathi, in English, what should be the names of these birds. And this is a commonly work, both girls and boys, they have done their work with a very much interesting field knowledge. The said book has been developed. This is my small opinion. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू चंदन जी। ओके, नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जस्ट टू रीफ्रेम, कि व्हाट वुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या रहा होगा? अंतिम कदम तो ये है कि किताब बन गई जो जैसे ने हमको दिखा भी दिया, तो इस किताब के बनने के रास्ते में पहला कदम क्या रहा होगा? मैडम, एट फर्स्ट द फील्ड ऑब्जर्वेशन इन द फील्ड दैट इज द फॉरेस्ट, the direct knowledge and direct involvement. मुझे लगता है इसमें जो पहला रहा होगा कि क्योंकि ये पूरी जो पुस्तक बनी है बच्चों के द्वारा बनाई गई है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का एक तो क्या है किसी एक टॉपिक को लेकर सुनने का काम, लिसनिंग पर की है, फिर उसमें उनको है कि अलग अलग तरह के टास्क दिए गए होंगे कि ठीक है आप इसके बारे में इतना जानते हो तो थोड़ा और डिटेल हो उसके बारे में पता करें, तो इस तरह की गतिविधियाँ संचालित की गई होगी, फिर एक प्रॉपर प्लान के साथ उनको कि आपको इस पक्षी जगत के बारे में आपके जो सराउंडिंग्स में हैं तो उसका इन सारी चीज़ों को इन चीज़ों को बारे में पता कर सकते हैं आप डायलॉग जी, तो वही मैं बोल रहा था कि उसको फिर उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसका पूरा करते हुए काम में लिया गया होगा और उसी के आधार पर फिर आप जंगल से और भी चीजें डिटेल आउट करो पक्षी जगत के बारे में, तो वो डिटेल आउट बच्चों ने किया होगा, फिर उस पर हमको लगता है कि डिस्कशंस हुए होंगे क्लासरूम प्रोसेस में, सभी ने अपने ओपिनियंस दिए होंगे, फिर उन ओपिनियंस को कंक्लूड किया गया होगा और फिर एक स्ट्रीम लाइन में लाने के बाद कि हाँ ये आप कहे कि प्रॉपर्टीज पक्षी के होते हैं, सेप से ऐसे होते हैं, ये खाना ये खाते हैं, वो जो सारे जो बिंदु होते हैं वो इतने हाइट तक होते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं, हैबिटेट क्या होता है, वो सारे जो भी चीजें हम उस संबंधित पक्षी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में डायलॉग हुआ होगा कि हम इन चीजों को क्या कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डेटा कलेक्शन वाला पार्ट या इंफॉर्मेशन कलेक्शन वाला पार्ट सारा हुआ, फिर उसका है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी बच्चों के साथ सामूहिक डिस्कशन में लिया गया होगा और इसके बाद फाइनल चीजें रही होंगी उसको बुक्स में लाने का प्रयास किया गया होगा, बेसिकली मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू, सर। जो इमरान भाई, अरे पहला सोपन ये है, स्टेप है कनेक्टिंग चिल्ड्रन विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। राइट, पहला सोपन जी, नहीं दिया मुझे कोई, अगर ज्योति जी को कुछ बोलना? हाँ वही बोलो।
हाँ मुझे मतलब जो रहा उसमें नॉर्मली हम लोग भी क्लास में भी अगर कुछ नई चीजों को पढ़ाते हैं तो मतलब बच्चों से जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले उस चीज को लेकर के बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर पहले जो बच्चे नॉर्मली देखते हैं। हेलो, हाँ हाँ ज्योति बोलो। हाँ तो उसके बाद मैंने बच्चे जो है वो नॉर्मली जो अपने अड़ोस पड़ोस में या इन्वायरमेंट अपने लोकल इन्वायरमेंट में जो पक्षियों को देखे उनके बारे में बातचीत करते हुए जंगल में कौन कौन से मतलब जिनको नहीं पाला जा सकता है या फिर जिनको नहीं पाला जा सकता है या नहीं पाला जाता है उन पक्षियों के बारे में चर्चा करते हुए कि कौन कौन से पक्षी हो सकते हैं उनका एक लिस्ट आउट किया गया होगा। उसके बाद फिर मतलब जो सूचीकरण बोलते हैं हम लोग वो सूचीकरण किया गया होगा और उसके बाद जो है उसको किस किस क्राइटेरिया में बांटा जा सकता है यानी कि रहने के आधार यानी आवास के आधार पर फिर खाने फूड के आधार पर दिखने के आधार पर रंग के आधार पर वो चीज वो अलग अलग कैटेगराइजेशन उसका किया गया होगा बच्चों के साथ मिल करके उसके बाद मतलब ये प्रोसेस जो है फिर और आगे बढ़ी होगी वो भी। थैंक यू ज्योति शेयर करने के लिए। और कोई हेलो सर मैं हेलो हाँ सर ज्योति का बात में ही आगे ऐड कर रही हूँ जैसे उसका वर्गीकरण हुआ उसका सूचीकरण हुआ तो उसमें ऐसा भी हुआ होगा कि जो पक्षी हैं उसका बारे में बच्चे लिख के भी दिए होंगे और सारे सारे बच्चों से कुछ कुछ पॉइंट्स आया होगा उसको एक जगह पे करने के बाद उसको फिर बुक्स में उसको लाया गया होगा। राइट राइट ठीक है और दो रिस्पॉन्सेस लेते हैं फिर मैं जयश्री को बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ तरुण जी बोल ले फिर समुद्र जी बोले ऐसा कर तरुण जी ने शुरू कर। मैं बोल रहा था कि जैसे इसमें तो एक इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन हम कर रहे हैं बच्चों के द्वारा वो कितनी सही और कितनी गलत है उसको हम वेरीफाई जरूर करते हैं जैसे लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं जगह जगह पे नाम चेंज हो जाती है उसकी। राइट वो हमारा जो है गाइडलाइन बहुत मतलब एक अहम मुद्दा रहा होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुद्दा है ये बताया आपने। यस वेरीफाई करना कि इन्फॉर्मेशन या उसके साइंटिफिक नेम्स या जो भी वो है उसे जांचना। बिल्कुल ठीक है समुंदर। हाँ समुंदर जी। हाँ मेरे जी मैं भी इसमें ये जुड़ना चाह रहा था। बहुत सारी चीजें तो आई हैं इसमें लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये चीज जरूर रही होगी जो मेरा मानना है कि पहले तो बच्चों के साथ उन जो हम करना चाहते हैं या जो प्रोजेक्ट वर्क था उस पर एक डिस्कशन उसको आइडेंटिफाई कि बच्चे कितने सारे चीजों के नाम जानते हैं। फिर कहीं ना कहीं ये होगा कि क्या हम अपनी जो जानकारी है दूसरों को शेयर करने के लिए क्या हम इसको बुकलेट के रूप में ला सकते हैं क्या अगर इसको बुकलेट के रूप में लाएंगे तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग पहले अपने घरों से अपने अनुभवों को लेते हैं है ना उन चीजों को समेकित करते हैं। समेकित करने के बाद जो हमारी जानकारी आई है उस जानकारी को इनकी वेरीफाई करते हैं फिर उसको व्यवस्थित लिखते हैं है ना क्योंकि जैसे साइंटिफिक नेम भी आया कि हमारी लोकल लैंग्वेज हुआ सामान्य भाषा में जो कहा जाता है वो हुआ उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम जो हुआ है वो उस पर चर्चा की होगी। कहीं ना कहीं एक मत इस पर भी बना होगा कि हमें किसी भी पक्षी के बारे में कौन कौन सी चीजों को लिखना है क्योंकि शायद जहां मैं देख रहा था हर एक पक्षी के साथ वो चीजें लगभग सेम सी आ रही थी है ना है ना वो फॉर्मेट भी डिसाइड किया होगा है ना और उनको वेरीफाई भी किया होगा एक लेवल का। वेरीफाई मतलब उसका रिसर्च वर्क भी हुआ होगा कि हमें क्या क्या चीजें किसी पक्षी के बारे में लिख रहे तो क्या क्या चीजें लिखनी है हमारे नॉलेज को कैसे उसमें जोड़ना है हमारा नॉलेज सही है या गलत है वो उसको कैसे हमें वेरीफाई करना है वो सारी चीजों का एक हिस्सा इसमें लंबा हिस्सा रहा होगा। और तो मुझे लगता है और टीचर का भी इसमें लास्ट में जाकर टीचर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा जब उसके एक शेप में दे पाना उसमें से उन चीजों को लिख पाना या कुछ तरीके चीजों को बच्चों को सजेशन देना रेगुलर काम भी टीचर का रहा ही होगा सब में जो मुझे राइट राइट ठीक है। तो हम यहाँ पे रुकते हैं हम जयश्री को पूछते हैं कि उसने क्या क्या प्रोसेस किया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी सारे आइडियाज दिए हैं वो इसमें इस्तेमाल हुए ही है जिस तरह से मैंने बुक को पढ़ा है और देखा है और इसके बारे में जयश्री से सुना है
तो मैं दूसरे लोगों को भी बोलना होगा, पर मैं यहाँ पे रुकता हूँ समय को देखते हुए, और मैं जयश्री को बोलूंगा कि थोड़ा ब्रीफ में बताए हर एक प्रोसेस के बारे में, हर एक स्टेप के बारे में, और फिर हम नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ सकते हैं। यस यस, तो वो मैं डॉक्यूमेंट अभी इधर शेयर करती हूँ। हाँ, ये तुम्हारा जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट है वो दिखा के कर सकते हो। बस चार नंबर की टैब थी। क्या दिखने के बाद बताना सर? ओके, क्या ये विजिबल है स्क्रीन? ओके, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे ये वाले रिफ्लेक्शंस पॉइंट, तो काफी सारा इसमें वैसे ही है, कुछ कंपोनेंट्स इसमें आ गए हैं, जैसे कि लोकल नॉलेज जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, जैसे कि प्रोसेसेस के अलावा, जैसे कि लोकल नॉलेज है या फिर लोकल एनवायरनमेंट से लेके इमीडिएट एनवायरनमेंट से कुछ है, तो वो सारी चीजें काफी तरह वैसे ही प्रोसेसेस हो रही थी। तो पहले जैसे कि शेयर किया, एसोसिएशन शेयर किए, उनके क्या अनुभव थे पंछियों के साथ, वो शिकार करने जाते हैं तो क्या क्या होता था, फिर वो कौन से बर्ड्स उनको पसंद है, कौन से बर्ड्स उनको नहीं पसंद है, और वो क्या आधार पर पसंद है या नहीं पसंद है, तो उनके एसोसिएशंस क्या है पंछियों के साथ, ये थोड़ा खोलने की कोशिश की। दूसरे इसमें जैसे आपने बताया कि कुछ लिस्टिंग किया, फिर सब ले लिया, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें पता रहती है, लेकिन साथ में जब इकट्ठा करते हैं डेटा, जैसे कि हम अभी भी कर रहे हैं रिफ्लेक्शंस, तो बहुत सारा डेटा हमारे पास आता है। वैसे ही बहुत सारे नंबर्स में पहली बार उन्होंने काउंट किया कि अपने इलाके में इतने 68 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दिखते हैं करके, तो इतने सारा काउंटिंग भी किया एंड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन लिस्टिंग आउट करके। फिर उसके जो ऑब्जर्वेशंस है वो थोड़ा और डीपर जाने की, जैसे कि हमने वेरिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में बोला, तो फिर फील्ड गाइड में अपने जो ऑब्जर्वेशंस है, तो बच्चों ने कि अच्छा हाँ ये हमें फॉरेस्ट में दिखता है, लेकिन फॉरेस्ट में किस जगह पर दिखता है, उसका हैबिटेट तो फॉरेस्ट दिखा रहा है लेकिन किस ट्री पर दिखता है, किस झाड़ पर दिखता है, ऐसे सब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस थोड़ा जॉट डाउन करने की कोशिश की। जैसे कि इसमें और एक एग्जाम्पल है कि कोई है कि उनको पता था कि इनके अंडर द बेली है, ऑन द नेक है, जो कलर्स है तो येलो कलर है, लेकिन बेली पे कौन सा कलर है, नेक को कौन सा कलर है, लेग्स को कौन सा कलर है, इसके ऑब्जर्वेशन थोड़ा और क्रिटिकली ऑब्जर्व करने की उनकी कोशिश रही, और फिर वो अपनी पीयर्स के भी साथ, लोकल एक्सपर्ट्स के साथ, और तीसरी चीज अपने बुक के साथ, ये तीन जगह से उन्होंने फिर डेटा उसको वेरीफाई किया और फिर वो फाइनली डाला। तो उसमें ये भी हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि नहीं, हमें तो लगता है कि नहीं ऐसा ऐसा ही है, हमने तो वही देखा है, तो किसी और जगह से और डेटा वेरीफाई करो, एक्सपर्ट से वेरीफाई करो, तो ऐसी चीजें हुई। फिर पांचवा जो है आइडेंटिफाइंग कोरिलेशंस एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस, तो ये वाली चीज थी, ये थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन को आगे जाने वाली चीज थी, जैसे कि एक बार पूरा का पूरा डेटा एक बार एक चार्ट में आने के बाद, एक विशिष्ट पद्धति में आने के बाद, उन्होंने ये थोड़ा सोचने की कोशिश की कि ये बर्ड्स का और इनका खाने का कैरेक्टरिस्टिक जब ही डाला, तो इनका क्या रिलेशन हो सकता है, ये जहां पर रहते हैं हैबिटेट में उनका और खाद का क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो भी थोड़ा एक स्टेप डॉक्यूमेंटेशन के आगे जाके किया उन्होंने। फिर जैसे कि है कि राजस्थान, अभी ये बच्चों ने किधर भी राजस्थान में या फिर हिमालय में ये बच्चे कभी भी नहीं गए थे या फिर कभी इन्होंने देखा नहीं था, जो कुछ भी देखा था वो टीवी के जरिए या फिर बुक्स में कहीं देखा था,
तो इनको पूछा था कि राजस्थान में कौन से पंछी हो सकते हैं, तो पहले तो उन्होंने बोला था कि नहीं राजस्थान में पंछी नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर तो पेड़ ही नहीं है, तो वो कैसे मतलब वो क्या खाएंगे करके। तो उनको थोड़ा रिसोर्स गाइड से फिर बताया कि नहीं इसमें तो दिखा रहा है कि ये पंछी राजस्थान में मिलता है, तो क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ तो वहां पर वो पंछी हो सकते हैं जो कुछ मरा हुआ जानवर या फिर उनको वो छिलके वगैरह ऐसा कुछ खाते रहेंगे, वो पंछी वहां पर हो सकते हैं। या फिर हिमालय में कौन से पंछी हो सकते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं। तो ये जो कोरिलेशंस बनाना है डॉक्यूमेंटेशन के आगे जाना है, तो ये स्टेप में थोड़ा वो हो गया था। तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट कि वहां पर बच्चे लिंकेजेस अपने डेटा है उसके कुछ लिंकेजेस बनाना चाह रहे थे। एंड लास्टली ये जो बुक के फॉर्मेट में है, तो जैसे समिंदर जी ने भी बताया कि बुक के फॉर्मेट में क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, हम ऐसे ही डेटा बता देते हैं लेकिन पॉइंटर्स वाइज कुछ लिखना है क्या, कुछ और प्रिसीजन इन डेटा चाहिए क्या, तो वो मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एंड देन द लास्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शंस, जैसे कि हम लेसन प्लान में बोल रहे थे कि बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चों को ये पसंद आया क्या कि नहीं आया पसंद, तो इसके बारे में उनके रिफ्लेक्शंस क्या थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं हमें ये ऐसी वाली चीजों पर पढ़ाई करना या फिर ऐसी वाली चीजों को इनका स्टडी करना इज नॉट लाइक, ये हमें स्टडी जैसे नहीं लगता, ये हमें फन लगता है। तो वो रिफ्लेक्शंस उन्होंने शेयर की थी। तो फिर ये रिफ्लेक्शंस भी हमने वो बुक के पीछे उन्होंने पूरे एक्सपीरियंसेस कैसा रहा क्या रहा, ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें बर्ड्स के अलावा हम कर सकते हैं, करने को पसंद आएंगे, तो वो उन्होंने शेयर किया। यस राइट, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पूरा प्रोसेस जयश्री ने बताया कि इस तरह से पूरी बुक बनी है। और आप लोगों को अगर बुक चाहिए तो हम लोग पीडीएफ भेज भी सकते हैं अगर जयश्री को ठीक लगे, या हम आप खरीद भी सकते हो बुक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपके बच्चों के लिए आप दिखा सकते हो और ऐसी बुक बना भी सकते हो उनके साथ, यू कैन ऑर्डर इट। तो बहुत ही मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद है इस तरह का। मेरे और दोस्तों ने भी दूसरे इलाकों में ऐसे बर्ड्स के ऊपर बुक बनाई है और सबके प्रोसेस अलग अलग है। मतलब जैसे जयश्री ने ये पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया, मेरे दूसरे दोस्त थे उन लोगों का प्रोसेस भी डिफरेंट रहा है कि किसी ने फील्ड गाइड से स्टार्ट किया, मतलब रोज बर्ड वॉचिंग पे जाते थे और उससे बातचीत शुरू हुई और उससे पूरे पूरा काम हुआ। ये यहाँ के बच्चे पहले से जानते थे बहुत कुछ बर्ड्स के बारे में, तो वहां से स्टार्ट किया है। तो वो अलग अलग चीजें ध्यान में रख के पूरी प्रोसेस डिजाइन करना और एक फाइनल प्रोडक्ट की ओर आना, ये पूरा चीज रहता है। तो ये अभी अभी हम जिस पड़ाव पे आ चुके हैं, हम 5:15 हो चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं और हमें 5:30 को खत्म करना है। धर्मेंद्र जी को मैं याद कर ही रहा था तो धर्मेंद्र जी तो नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते और फिर क्विकली इसको कल्मिनेट करने की कोशिश करते। तो आज के दो लर्निंग आउटकम थे, वो उसमें से दूसरा जो लर्निंग आउटकम है वो यही है कि हम लोग हमारे जो लेसन प्लान्स है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें और उसमें ये इस तरह का प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो हम लोग देखें। तो सबसे पहले आज मीटिंग खत्म होने से पहले अगर हमारे टाइटल के ऊपर काम कर सके, हमारे लेसन प्लान के टाइटल के ऊपर काम कर सके कि जिसमें इट शुड बी वर्किंग टाइटल, कि जैसे कि वाटर है तो हम दिन में कितना पानी यूज करते हैं वो खोजेंगे, ऐसा कुछ टाइटल हो सकता है। या कोई एंगर के ऊपर है तो हम गुस्सा आए तो हम क्या कर सकते हैं, जब गुस्सा आएगा तब हम क्या करेंगे, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि हम इसको कम करने के लिए या जब आता है तब हमें क्या करना चाहिए, या ऐसा कुछ टाइटल के जिसमें डूइंग हो, कुछ करना हो, ठीक है, कुछ अनुभव लेना हो, कुछ समस्या सॉल्व करनी हो या कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाना हो, ऐसा कुछ टाइटल हमें हमारे लेसन प्लान का बनाना है। और उस वो टाइटल चूज करने के बाद आप उसमें चेंज कर सकते हैं जो भी अंदर की एक्टिविटीज है, जो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज के प्रकार आज देखे वीडियो में ये वाले प्रोजेक्ट में, तो उस हिसाब से एक्टिविटीज चेंज भी कर सकते हैं।
तो फिर से हम सेम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे और हर एक को एक एक टाइटल, हर एक को एक लेसन प्लान की थीम दी गई है, तो उस थीम पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देख तो तारिक, हम लोग फिर से ब्रेकआउट रूम में जाते हैं और मैं व्हाट्सएप पे फिर से वही सेम मैसेज वापस एक बार डाल देता हूँ, जिससे आपको टाइम देना क्योंकि हमने रीजॉइन किया था, तो ठीक है। ओ अच्छा, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ तो मैं मैसेज तब तक डाल देता हूँ जिससे चैट पे भी डाल सकते हो आप तो। हाँ मैं चैट में डाल दूँ, दोनों में डाल दो, कुछ लोगों का नहीं चल रहा है अभी चैट घर में। यस यस हाँ हाँ, मेरा एक्चुअली मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा था कि अभी जो जयश्री ने शेयर किया ना, तो मुझे राजस्थान से बाहर के जो भी स्टेट है वहां के लिए एक पॉइंट नजर जरूर आ रहा है। राजस्थान को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है, तो मुझे लगता है कि उस पे भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, जैसे बच्चों ने बताया कि वहां तो हो ही नहीं सकते, तो वो चीज यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वहां पे भी होते। राजस्थान को लेके लगता है कि भाई पूरा डेजर्ट एरिया है, लेकिन एक्चुअली डेजर्ट केवल 3 डिस्ट्रिक्ट है और बाकी पूरा ग्रीन भी है। यहाँ जंगल भी है, नदियां भी है, झरने भी है, सब चीजें। तो एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं कि हमको जो थीम्स वो तो तुमने अभी इसमें डाला है, तो ये थीम ग्रुप वाइज हैं, चैट में अभी नहीं डाला ना? नहीं डाला। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब तक तारिक कनेक्ट करते हम लोगों को ब्रेकआउट रूम में, हम थोड़ा सा सोचना ऐसे ही शुरू करते हैं अलग अलग थीम्स के बारे में। जैसे पानी के बारे में मैं बता रहा था कि हम लोग सोच सकते हैं कि भाई वर्किंग टाइटल क्या हो सकता है, डूइंग टाइटल क्या हो सकता है ऐसा। तो कोई भी अपने लेसन प्लान के बारे में शेयर करना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, क्या हो सकता है, कोई सवाल हो तो वो उससे थोड़ा सा हम शुरू कर सकते हैं। तब तक तारिक जो है वो तो अभी क्योंकि लोगों की संख्या थोड़ी कम है तो शायद 5 ही ग्रुप बना सकते हैं, है ना? 25। हाँ तो ऐसा कर दो तारिक, 5 ग्रुप बना दो फिर। और इसमें एक चीज और ये था कि जो थीम्स है उस पे हर एक पार्टिसिपेंट को एक लेसन प्लान के लिए प्रश्न तैयार करना है या टॉपिक तैयार, प्रोजेक्ट टॉपिक का नाम तैयार करना है, जिसमें कुछ एक ऐसी बात आ रही हो, एक कोई डूइंग की चीज आ रही हो कि क्या करने वाले हैं उसमें, है ना? तो ये बात, जैसे पानी का उदाहरण लेके तुम बता रहे हो, या अगर खाने की बात है तो खाने में क्या हम मिलके कोई चीज बनाने वाले हैं, या कोई चीज किसी मौसम में क्यों खाई जाती है ये पता करने वाले हैं, या कोई रेसिपी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कोई त्योहार में कौन सी रेसिपी होती है। हाँ तो ऐसा कोई एक काम जो हम करने वाले हैं वो उस वो स्टेटमेंट हर एक का, हर एक पार्टिसिपेंट का उस पर्टिकुलर थीम पे बन जाए, ये हम कह रहे हैं ना? Yes, yes. It is not like one particular statement from each group. It should be, अगर 5 सदस्य हैं तो 5 statements food के थीम पे, 5 statements water के थीम पे, 5 statements game के थीम पे ऐसे बने, है ना? Right, yes. तो जब तक
तारीख शेयर करते हैं तो कितनी देर के लिए रखना है हमें, कितना कितना टाइमिंग रहेगा हमारे पास? दस मिनट ठीक है। तो मैं रूम बस ओपन कर रहा हूँ ना। हाँ